नमस्कार दोस्तों, दिस इज नीरज तिवारी। उत्तराखंड में होने वाली 2023 चार धाम यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वर्ष 2023 में यात्रा अप्रैल माह से शुरू होकर नवंबर माह तक चलने वाली। बात करें यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की, पिछले वर्ष 2022 में 46,81,000 लोगों ने चार धाम यात्रा के दर्शन किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज से पहले कभी भी एक वर्ष में इतने यात्रियों ने दर्शन नहीं किए थे। चलते हैं 2023 यात्रा पे। 2023 में सभी यात्रियों को, चारधाम आने वाले सभी यात्रियों को यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, जो कि registrationandtouristcare.gov.in पे होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात चलते हैं हम चारों धामों के ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को, केदारनाथ के खुलेंगे 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के खुलेंगे 27 अप्रैल को। आप सभी लोगों को पता होगा यात्रा काल 6 महीने का होता है, जिसमें कि यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को और क्लोज होंगे 29 अक्टूबर को। गंगोत्री के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को और क्लोज होंगे 27 अक्टूबर को। केदारनाथ के कपाट खुलेंगे 25 अप्रैल को, क्लोज होंगे 29 अक्टूबर को। और लास्ट में बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, जो कि खुलेंगे भी सबसे लास्ट में और बंद भी सबसे लास्ट में होंगे। 27 अप्रैल को खुल रहे हैं और 9 नवंबर को बंद होंगे। चारधाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार में खत्म होती है। ये यात्रा 10 से 12 दिन की रहती है, जिसमें कि आप चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करके वापसी हरिद्वार में पहुंचते हैं। आने वाले 10 से 12 दिनों में हमारे चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे, जो कि हरिद्वार से स्टार्ट होकर हरिद्वार पे एंड होंगे। प्रथम दिन यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी के लिए निकलेगी, जिसमें कि 215 किलोमीटर का पहाड़ी सफर आपको तय करना होगा और उत्तरकाशी में स्टे लेना पड़ेगा। डे टू में हमें उत्तरकाशी बटकोट से यमुनोत्री के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें कि 42 किलोमीटर आपको गाड़ी से जाना होगा और 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक करने के बाद, दर्शन करने के बाद आपको वापसी उत्तरकाशी आना होगा। नेक्स्ट डे आपको बटकोट से उत्तरकाशी करीब 50 से 60 किलोमीटर आपको गाड़ी से जाना होगा, जहां पे आपका नेक्स्ट डे थर्ड का आपका स्टे रहेगा। डे फोर को आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री और गंगोत्री से दर्शन करने के बाद वापसी उत्तरकाशी आना पड़ेगा, जिसमें कि आना जाना ये 200 किलोमीटर का रहेगा एक दिन। डे फाइव में आपको उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए निकलना पड़ेगा। केदारनाथ के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा गुप्तकाशी फाटा या सोनप्रयाग लास्ट स्टॉप है, जहां पे आपको 215 से 230 किलोमीटर की रेंज में आपको रुकना पड़ेगा। डे सिक्स में जहां भी आपने स्टे लिया था, गुप्तकाशी फाटा या सोनप्रयाग हमें निकलना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम जाएंगे गवर्नमेंट के ट्रैकर्स में, और गौरीकुंड से हमें 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। आप चाहो तो घोड़ा, कंडी या पालकी से भी जा सकते हैं। डे सिक्स में केदारनाथ में स्टे करने के बाद डे सेवन को हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा नीचे के लिए, जिसमें कि हम गौरीकुंड आने के बाद जितना हो सके 20 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जितना कवर कर सकते हैं हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना पड़ेगा। बेस्ट लोकेशन रहेगी आपको फाटा, गुप्तकाशी या फिर चोपता। डे एट में आपको जो भी आपने स्टे किया था फाटा, गुप्तकाशी या चोपता, वहां से आपको बद्रीनाथ के लिए निकलना पड़ेगा, जो करीब 200 किलोमीटर है। डे नाइन में होंगे आपके बद्रीनाथ के दर्शन और वापसी आपको रुद्रप्रयाग तक आना पड़ेगा, जिसमें कि आपको करीब अप्रॉक्स 175 किलोमीटर समथिंग आपको उस दिन भी ट्रेवल करना पड़ेगा। देन लास्ट डे 10 को आपको रुद्रप्रयाग से निकलना पड़ेगा ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, जो कि उस दिन आपको 170-180 किलोमीटर आपको उस दिन भी ट्रैवल करना पड़ेगा। ये पूरा प्लान रहेगा चार धाम यात्रा के लिए, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धाम आएंगे। अब आते हैं चारधाम यात्रा की बेसिक बातों पे। चारधाम यात्रा में अगर आप लोग आ रहे हो तो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा मान के चले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसका लिंक मैं बायो में दे दूंगा। सेकेंड थिंग, चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल है। आप देहरादून से चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर चार्टर बुक कर सकते हो, स्पेशल अगर आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर करना है। इंश्योर हो कि आपका प्री बुकिंग हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको काफी लंबा वेटिंग पीरियड 2 से 3 दिन का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप अपना टाइम सेव करें, प्री बुकिंग इंश्योर करें कि आप आने से पहले आपका टिकट कन्फर्म हो। के बाद हमारी प्रत्येक धाम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।